entra aquí, tiene María, el negro. पीवी नंबर है अनफॉर्चुनेट हादसा है और ये दुखदाई हादसा है। आजकल घरों में बच्चे कोई इतनी तादाद में तो होते नहीं, यू नो बेटर, सारे बेहतर जानते हो, एक एक बच्चा होता है। बड़ी मुश्किल से माँ बाप उस बच्चे को स्कूल में और जगहों में दाखिल करवाते हैं, भेजते हैं, और बच्चे को घर से जब चला जाता है
वो तो उनकी आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड से है, लेकिन जो जो कंसर्निंग जिनके पास जाता है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद एक्सीडेंट हो गया यहाँ, तो यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए क्या है यहाँ। और सारे बच्चे मेडिकल कॉलेज से नर्सिंग होम में जाएंगे, हैं, छोटे छोटे दुकानों में जाएंगे, आई एम सॉरी फॉर दैट। और ना किसी को ने कपड़ा, ना किसी के पास यूनिफॉर्म, ना किसी के पास कुछ, पता नहीं लग रहा है कौन है यहाँ। मैं तो खुद ही डॉक्टर को पूछा, यार डॉक्टर कौन थे, आई एम सॉरी। इसको जो ट्रीटमेंट देना है फर्स्ट एड का वो दिया है, तो बस यही मेरी प्रार्थना है हम सब से। जबीम, आज का जो एक दुखद एक्सीडेंट की जब हमें न्यूज़ मिली, हम लोग थोड़ा कहीं बाहर थे, तो जब इन्फॉर्मेशन मिली हम लोग वैसे ही रश करा हॉस्पिटल में। यहाँ पे बच्चों की क्रिटिकल कंडीशन थी, जो मेडिकल टर्म्स हैं, जो हमारे अपने एक्सपीरियंस थे हॉस्पिटल में सेवा के दौरान, हमने उसके तहत जो दो बच्चे थे उनको शिफ्ट करवाया, एक को अमनदीप शिफ्ट करवा दिया गया बिकॉज उसको हेड इंजरी थी, दूसरे दो बच्चे थे उनको SKR फॉर द रिकवरी, और उसके लिए क्योंकि उनकी जो क्रिटिकल इंजरीज थी वो यहाँ पे, ये एसोसिएटेड हॉस्पिटल है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँगा, ये हमारा GMC कठुआ GMC नहीं है, सब लोग ये इसको GMC कहते हैं, ये आप बोर्ड भी पढ़ें, ये एसोसिएटेड हॉस्पिटल GMC कठुआ है। यहाँ पे सिर्फ GMC की क्लासेस लगती हैं, MBBS के डॉक्टर्स को एजुकेशन दी जाती है, जो ट्रीटमेंट लेवल है वो एसोसिएटेड हॉस्पिटल का ही है। और इसके लिए यहाँ से जो इक्विपमेंट्स हैं या फिर जो धीरे धीरे उसको हम लोग हमारे यहाँ पर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको उसके जो कमी है इक्विपमेंट्स की और उनके जो चलाने के लिए साधन और उनके जो डॉक्टर्स की कमी है उससे रिलेटेड हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारे नेता वेता सारे बातें करते हैं कि हम लोग ये दे देंगे वो दे देंगे, बट मैं आपको बताऊं हमारे कठुआ यहाँ पे एसोसिएटेड हॉस्पिटल में इतने डॉक्टर्स की कमी है कि अगर इमरजेंसी पे हमारे पास यहाँ पे एक ऑनकोलॉजिस्ट, जो ऑनकोलॉजिस्ट डॉक्टर होता है वो यहाँ पे नहीं है, उसके लिए हम लोग किससे बात करें। हमारे यहाँ न्यूरो पे डॉक्टर हैं, वो डेज पे बैठते हैं, तो हम लोग यहाँ पे डॉक्टर्स को प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे अपना पुरजोर, हमारी टीम भी यहाँ पे जो यहाँ पे लगी हुई थी अभी, उसके साथ साथ यहाँ पे जो ब्लड था 10 यूनिट ब्लड, मेरी टीम JK ब्लड डोनर है, हमने यहाँ पे भी ब्लीड करवा दिया है। पठानकोट में जो अमनदीप हॉस्पिटल है वहाँ पे 12 यूनिट ब्लड ब्लीड हो चुका है, राज हॉस्पिटल है पठानकोट के, जितने भी ब्लड बैंक्स हैं वहाँ पे हमारी जो एसोसिएटेड टीम्स हैं वहाँ पे पठानकोट की, उन्होंने पूरी रिक्वायरमेंट्स वहाँ पे हर एक ब्लड बैंक में बोल दिया गया है, अगर बच्चों को 50 यूनिट ब्लड भी रिक्वायरमेंट रहेगी उसके लिए किसी भी बच्चे को कोई ज़रूरत की या आगे पीछे परेशानी